नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। पवई, स्थानीय तहसील मुख्यालय पवई में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर प्रांगण में चिरायु मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भोपाल द्वारा विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विधायक प्रहलाद लोधी के दिवंगत पुत्र स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह लोधी की पुण्य स्मृति में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर बृहद मेला का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे द्वारा सरस्वती माता के छायाचित्र एवं स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह लोधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ अजय गोयनका भोपाल, डॉ वीएस उपाध्याय पन्ना, कलेक्टर हरजिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा, बीजेपी जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया, नगर परिषद अध्यक्ष बसंत दयात, जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसडीओपी सौरभ रत्नाकर, एसडीएम भारती मिश्रा, सीईओ धीरज चौधरी, शाहनगर सीईओ प्रदीप सिंह, तहसीलदार प्रीति पंथी सहित अधिकारी कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर सर्व सुविधा युक्त एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने जाने वाले सुप्रसिद्ध मेडिकल भोपाल चिरायु हॉस्पिटल के 350 डॉक्टरों की टीम ने डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी, ईको, मस्तक नस, न्यूरोलॉजी, किडनी, हृदय, पथरी, मूत्र रोग, हड्डी एवं अन्य प्रकार की जांच निशुल्क रूप से दी गई एवं विशेषज्ञों की टीम द्वारा नाक, कान, गला, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं मनोरोग विशेषज्ञ, दंत रोग, चर्म रोग तथा बच्चों की बीमारियों से संबंधित सहित अन्य बीमारियों के लिए डॉक्टर विशेषज्ञ इस शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए व चिकित्सीय परामर्श के लिए मौजूद रहे। इस मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में हजारों से अधिक लोगों का परीक्षण करवाया एवं उन्हें चिकित्सीय परामर्श दिया गया। वहीं इस कैंप में आयुष्मान भारत सहित दर्जनों स्टॉल लगाए गए और शिविर में गर्भवती महिलाओं एवं हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया। पंजीयन के पश्चात एएनसी कक्ष में जांच की गई, लैब जांच हुई। इसी दौरान विधायक प्रहलाद लोधी एवं जिलाध्यक्ष भाजपा राम बिहारी चौरसिया ने दिव्यांगजनों को साइकिल, हाथ छड़ी एवं कान यंत्र देकर व फूल माला अर्पण कर भेंट की। इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों जनप्रतिनिधियों के साथ पत्रकार गणों की मौजूदगी रही। नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयुष्मान स्कीम का भी आज दिन है, जब एक प्रोग्राम चल रहा है आभा आईडी बनाने का और आयुष्मान भवन का। इस कैंप के माध्यम से मैं हमारे सीएमएचओ साहब जो पन्ना जिले के हैं, जरूर यहाँ पर बहुत सारे लोग आज आभा आईडी में रजिस्टर होंगे और एक लार्जेस्ट स्कीम ऑफ द कंट्री एंड लार्जेस्ट स्कीम ऑफ द वर्ल्ड, जिससे न सिर्फ हर मरीज को फायदा पहुंचता है लेकिन हक मिलता है इलाज कराने का, और प्राइवेट अस्पतालों में भी वो जिस हक से आते हैं इलाज लेने वो विश्वास देखने को मिलता है। थैंक यू। 23-24 शिविर लगेगा, पिछली बार भी अपने यहाँ पर 18-19 अगस्त को 2021 में शिविर लगाया गया था, उस समय भी बहुत लोगों को यहाँ पर लाभ मिला था। वहाँ पर 5,000 लोगों का चिरायु भोपाल में यहाँ तो हुआ था, 12-13 हज़ार लोगों का पंजीयन हुआ था। वहाँ पर 5,000 लोगों को बाईपास सर्जरी से लेके छोटे छोटे सभी ऑपरेशन, चाहे वो हार्निया के हों, तो पथरी के हों, चाहे गर्भधारण वाले हों, इसमें गर्भधारण का एक प्रूफ मेरे सामने भी है। मेरी साले की बच्ची थी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो सामने प्रूफ है। उस भतीजी को 1 साल की बच्ची हो गई है, तो ऐसा नहीं है। इस ये सफल इलाज इनका जो सफल स्वास्थ्य केंद्र लगता है, इसमें बहुत सफल सभी को मुझे लगता है 5,000 लोग जो मेरे यहाँ से गए थे, सभी आज सकुशल निरोग हैं और सब लोग घूम रहे हैं। सभी लोगों का सफल इलाज हुआ है। मैं मेडिकल वालों को भी, सभी को, चिराई वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे छोटे से आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पवई जैसे छोटे से कस्बे में आकर के अपने 350 स्टाफ के साथ यहाँ शिविर में हमारे सभी क्षेत्र वासियों को स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्षेत्र के सभी पत्रकार बंधु भी इसको लगातार 8-10 दिन से कवरेज कर रहे हैं, तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूँ। और आज आयुष्मान दिवस पर देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना चलाई थी, ये आयुष्मान कार्ड से ही यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसमें भी मैं अपने देश के ऐसे ही प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी के चरणों में चरण छूकर प्रणाम करते हुए उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि जिलों के द्वारा आयुष्मान योजना चलाई गई, इससे गरीबों को लाभ मिलता है, प्रदेश के
पवई से खबर सभी जगत के लिए संवाददाता सफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।